हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर एक नई वीडियो के साथ। जिस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं वो है की इश्यूज इन द स्टडी ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। बात करते हैं की इशू की इन द स्टडी ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, नेचर वर्सेस नर्चर, रैशनलिज्म वर्सेस एम्पिरिसिज्म, स्ट्रक्चर वर्सेस प्रोसेस, डोमेन जनरलिटी वर्सेस डोमेन स्पेसिफिसिटी, वैलिडिटी ऑफ कैजुअल इन्फेरेंसेस वर्सेस इकोलॉजिकल वैलिडिटी, अप्लाइड वर्सेस बेसिक रिसर्च, बायोलॉजिकल वर्सेस बिहेवियरल मेथड। तो यहाँ पर जो 7 बेसिक की इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हम बात करने वाले हैं, एक एक करके हम इनको डिस्क्राइब करेंगे, एक एक करके हम ब्रीफली इनको जो स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेचर वर्सेस नर्चर की। तो देखिए, नेचर का मीनिंग क्या होता है, नर्चर का मीनिंग क्या होता है। नेचर है जो आप मान लीजिए जो प्राकृतिक से रिलेटेड हो, आप बोल सकते हैं जो हमारे अंदर कॉग्निटिव साइकोलॉजी की हम स्टडी कर रहे हैं, हम कह सकते हैं वे कैरेक्टरिस्टिक जो कि हमारे अंदर इनहेरिटेड हो, ठीक है। तो नेचर इज़ अ प्री वायरिंग एंड इट इज़ अफेक्टेड बाय जेनेटिक इनहेरिटेंस एंड अदर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। और कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस से अफेक्ट होते हैं और जेनेटिक से जो जीन से है जो पेरेंट्स की उससे अफेक्ट करते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं इंटेलिजेंस के ऊपर, अभी दोनों पेरेंट्स से जो मम्मी और पापा दोनों ही है जो इंटेलिजेंट हैं, मदर एंड फादर, तो ऑब्वियस है उनके जो बच्चे के अंदर जेनेटिक जो क्वालिटी आएगी इंटेलिजेंस की, एक जीन्स आएंगे इंटेलिजेंस की कि उसकी पॉसिबिलिटीज़ है, वो इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। लेकिन एक और एक्सटर्नल फैक्टर जो उस पर डिपेंड करेगा कि उसको मान लीजिए हम स्कूल ही ना जाने दें तो क्या वो इंटेलिजेंट रहेगा, क्या वो पढ़ पाएगा, या हम उसको बुक्स ना प्रोवाइड करवाएं या उसको वो एनवायरनमेंट ना मिले जिससे कि वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके। तो नर्चर उसी से रिलेट करता है। नर्चर इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल वेरिएबल्स ऑन एन इंडिविजुअल्स आफ्टर कंसेप्शंस सच एज लाइफ इवेंट एंड लर्निंग। कोई भी जीवन की कोई घटना हो गई, कोई कुछ सीखना हो गया, वो नर्चर हो गया जो हम एनवायरनमेंट से सीखते हैं, जो हमारे अंदर बायोलॉजिकली होती है, हेरिटेड होती है, इनहेरिटेड, वो है जो हम उसे नेचर से रिलेट करते हैं। तो ये एक इशू था कि हम नेचर पर स्टडी करनी चाहिए या नर्चर पर स्टडी करनी चाहिए। अभी देखिए, नेचर एंड नर्चर हैज़ एन एनोमस इन्फ्लुएंस, दोनों का एक जो बहुत बड़ा प्रभाव है ह्यूमन के इंटेलेक्ट पर। यदि आपको लगता है कि इंटेंसिक ह्यूमन कॉग्निटिव क्वालिटीज़ आर मोर सिग्निफिकेंट, अगर आपको ये लगता है कि भी मनुष्य के आंतरिक जो कॉग्निटिव क्वालिटीज़ है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, तो हम क्या किस पर ध्यान देंगे, वी कैन कॉन्सेंट्रेट अवर रिसर्च ऑन अंडरस्टैंडिंग इनहेरेंट कॉग्निटिव फीचर। तो हम इनहेरिटेड कॉग्निटिव फीचर्स को समझने का प्रयास करेंगे, हम उसके ऊपर स्टडी करेंगे। अगर आपको लगता है कि एनवायरनमेंट ज़्यादा फ़र्क डाल रहा है तो आप है जो किस पर ध्यान देंगे, वी मे स्टडी डू द डिटरमाइन हाउ डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ बैकग्राउंड अपीयर टू द इन्फ्लुएंस इन द स्टडी। कैसे विभिन्न प्रकार के जो बाहरी तत्व हैं जो किस प्रकार किसी एक की अंडरस्टैंडिंग स्किल को डेवलप करता है, सॉरी अफेक्ट करता है, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स है। तो हम है जो नेचर पर स्टडी करें या फिर नर्चर पर, ये एक की इशू था। लेकिन अगर आप है जो इसको ओवरऑल देखेंगे तो ये दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है, हमें दोनों को मिलाकर स्टडी करनी होगी। हर एक इशू के अंदर है जो यही रिजल्ट रहेगा आपका। रैशनलिज्म वर्सेस एम्पिरिसिज्म के अंदर क्या होता है, अभी देखिए, रैशनलिज्म हो गया जब हम किसी तर्क से कुछ चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है, तर्क से हम थिंक करते हैं। एम्पिरिसिज्म जिसको हम अनुभव करते हैं, एम्पिरिसिज्म जो कि अनुभाविक एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है। अभी आप देखिए इसके अंदर रैशनलिस्ट क्या कहते हैं, देयर आर सिग्निफिकेंट वेज इन विच आवर थॉट एंड नॉलेज आर रिक्वायर्ड अपार्ट फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंसेस। वो कहते हैं हमें 5 सेंस ऑर्गन्स के अलावा भी बहुत से सिग्निफिकेंट वेज हैं जिससे कि हम लर्न कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एम्पिरिसिस्ट क्या कहेंगे, आवर नोशन एंड नॉलेज आर प्रोक्योर्ड फ्रॉम आवर सेंसरी एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे मैंने क्या बताया। अब आप रैशनलिस्ट की बात को मानेंगे या एम्पिरिसिस्ट की बात पर फोकस करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हालांकि आपको दोनों पर फोकस करना होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारे पास, स्ट्रक्चर वर्सेस प्रोसेस। आप भी इंटरेस्टेड होंगे इस बात को जानने के लिए, ह्यूमन के माइंड की स्ट्रक्चर की हम बात करें या जो उसके अंदर थिंकिंग प्रोसेस हो रही है उसकी बात करें। अभी स्ट्रक्चर के अंदर देखिए, शुड वी स्टडी द ह्यूमन माइंड स्ट्रक्चर कंटेंट कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रोडक्ट। अभी देखिए, मान लीजिए अगर मैं बात करता हूँ आपके दिमाग के अंदर
हिपोकैम्पस होता है, अगर आपने वीडियो देखी होगी हमारे चैनल पर हिपोकैम्पस, अगर आप हिपोकैम्पस को रिमूव कर देंगे तो क्या बिहेवियर पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हमने वहाँ पर क्या बात कर सकते हैं, हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हमने इंटरनल बॉडी पार्ट, जो इंटरनल ब्रेन के पार्ट को जो हमने जो स्टडी किया, तो वहाँ पर क्या है, हिपोकैम्पस को रिमूव कर दिया तो हमारा बिहेवियर की प्रोसेस क्या है, हमारी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, दैट इज़ द प्रोसेस एंड अदर इज़ अ स्ट्रक्चर। इट इज़ अबाउट नोइंग दैट द फॉर्म ऑफ द ह्यूमन माइंड एज वेल एज द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन थिंकिंग। ह्यूमन माइंड की जो फॉर्म और उसकी जो प्रोसेस, उसकी जो प्रक्रियाएँ, किस प्रकार प्रक्रियाएँ हो रही है और कैसे ह्यूमन माइंड बना है, हम किस पर फोकस करें, हमारी स्टडी किस पर डिपेंड करती है, या हमारा इंटरेस्ट किसे, हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं, हम स्ट्रक्चर पर फोकस करें या प्रोसेस पर फोकस करें, या हम किसकी स्टडी करनी चाहिए, तो आपको दोनों की स्टडी करनी पड़ेगी। आपको पता ही होगा कि हिपोकैम्पस निकालने के बाद कोई भी इंडिविजुअल उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं बना पाता, उसको याद ही नहीं रहेगा। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपका हिपोकैम्पस निकलवा देते हैं, तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा अभी हमने जो वीडियोस देखी थी 10 मिनट 15 मिनट के बाद, आप भूल जाओगे। एक और एग्जांपल है स्ट्रक्चर वर्सेस प्रोसेस का। अभी मान लीजिए आपके हेडेक है, आपके सिर में दर्द है, और आपका बिहेवियर क्या है, तो प्रोसेस क्या होगी, आपकी बिहेवियर है जो किस कैसे किन फैक्टर से अफेक्ट करता है। स्ट्रक्चर के अंदर हम माइंड की सिर में दर्द होने पर, हेडेक होने पर, जो माइंड पर कैसा प्रभाव है, कौन कौन से चेंजेस आ जाते हैं, ये हो गया स्ट्रक्चर की बात। डोमेन जनरलिटी वर्सेस डोमेन स्पेसिफिसिटी की बात करते हैं। जनरलिटी का मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपकी स्टडी डोमेन जनरलिटी है या डोमेन स्पेसिफिसिटी है। देखिए, जनरलिटी और स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है, जो ऑब्जर्वेशन आपने निकाली, आपने 12 डोमेन अभी अभी पढ़े, 12 डोमेन ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, 12 डोमेन। अभी देखिए, अगर आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो सभी डोमेन पर अप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब वो डोमेन जनरलिटी हो गई हमारी स्टडी। अगर वो किसी एक पर्टिकुलर डोमेन पर ही, पर्टिकुलर डोमेन को ही स्पेसिफाई कर रही है, या हमें जो एक पर्टिकुलर डोमेन को ही डिफाइन कर पाए, तो वो डोमेन स्पेसिफिसिटी हो जाती है। आर द प्रोसेसेस वी विटनेस रिस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर डोमेन और आर दे जेनरिक अक्रॉस ऑल सर्वल डिसिप्लिन। क्या वो एक पर्टिकुलर डोमेन तक सीमित है, या फिर वो सभी पर अप्लाई, सभी डिसिप्लिन पर अप्लाई हो जाती है, ये देखिए आपकी स्टडी कौन सी है। डू ऑब्जर्वेशन इन वन डोमेन अप्लाई टू ऑल पार्ट्स, आर दे लिमिटेड टू द डोमेन ऑब्जर्व, इट इन्वॉल्व लर्निंग अबाउट द प्रोसेस और ऑब्जर्वेशन दैट आर एग्जामाइन रेस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर डोमेन एंड अप्लाइंग टू ऑल फील्ड। तीनों डेफिनेशंस के अंदर हमें यही पता है, बताया है कि ये देखिए आपकी जो स्टडी है वो किसी एक डोमेन पर को डिफाइन कर रही है, या सभी फील्ड पर अप्लाई कर सकते हैं उसको। तो डोमेन जनरलिटी और डोमेन स्पेसिफिसिटी भी एक मुद्दा रहा है। वैलिडिटी ऑफ कैजुअल इन्फेरेंसेस वर्सेस इकोलॉजिकल वैलिडिटी। तो देखिए, कैजुअल इन्फेरेंसेस और इकोलॉजिकल वैलिडिटी के अंदर कैसे इशू रहा। अब देखिए, मान लीजिए हम आपको कह देते हैं हमारे हेडेक है, सिर में दर्द है, सिर में दर्द के कौन कौन से कारण हैं आपको ये जानना होगा। जानने के लिए आप एक कंट्रोल्ड सिस्टम को एस्टैब्लिश करते हैं वहाँ पर आप जो अपनी स्टडी कर रहे हैं, या फिर आप डायरेक्टली नेचुरल सेटिंग के अंदर है जो आप अपनी स्टडी को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही है, अगर आप नेचुरल तरीके पर जाएंगे तो वो इकोलॉजिकल वैलिडिटी के अंदर आ जाएगा, अगर आप कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर जाएंगे तो आप कैजुअल इन्फेरेंसेस के अंदर आ जाएगा। लेकिन कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर, ह्यूमन लाइफ के अंदर, जो कंट्रोल्ड कंडीशंस पर जब हम स्टडी करते हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। क्यों? बहुत सारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं जो कि हमारी स्टडी को अफेक्ट करते हैं। शुड वी रिसर्च कोग्निशंस वाई द यूज़ ऑफ केयरफुली कंट्रोल्ड स्टडीज दैट इम्प्रूव्स द लाइकलीहुड ऑफ वैलिड अजम्पशंस अबाउट कैजुअलिटी। देखिए, जब हम कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर स्टडी करते हैं तो हमारी जो अजम्पशंस है, जो हमारे रिजल्ट्स हैं, वो ज़्यादा वैलिड होते हैं, ये बात आपको ध्यान है। तो यही यहाँ पर पूछा है कि हमें ऐसी रिसर्च करनी चाहिए जब हम यूज़ करें कंट्रोल्ड स्टडीज़ का, जहाँ पर कंट्रोल्ड वेरिएबल हो हमारे पास, या फिर हमें ऐसी स्टडी करनी चाहिए, टेक मोर नेचुरलिस्टिक अप्रोच
का यूज़ करना चाहिए। तो फॉर रिलायबल कंक्लूजन के लिए अबाउट कैजुएशन साइकोलॉजिस्ट में एम्प्लॉय कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट और यूटिलाइज मोर नेचुरलिस्टिक प्रोसीजर फॉर इकोलॉजिकल वैलिडिटी। इट इज़ अबाउट स्टडिंग कोऑर्डिनेशन थ्रू द हाईली कंट्रोल्ड स्टडीज और वाया बायोलॉजिकल स्टडीज। आई होप आपको कंटेंट समझ आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अप्लाइड वर्सेस बेसिक रिसर्च के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, देखिए अप्लाइड रिसर्च, और आपने भी देखा होगा अभी आप अगर काउंसलिंग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और एक इसके अंदर जो अप्लाइड, शायद अप्लाइड काउंसलिंग साइकोलॉजी आपने ली होगी, ठीक है, हो सकता है आपने कौन सी, या फिर आप क्लिनिकल ले रखी है, कुछ भी लिया हो आपने, तो देखिए वहाँ पर एक चीज़ आपको नोट करने की मिलेगी। जो अप्लाइड के अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हमारा कोई मोटिव होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, या बेसिक रिसर्च हम मान लीजिए हम किसके लिए करते हैं, सिर्फ नॉलेज के लिए। जैसे कि आपने कोई पावर बैंक लेना है, पावर बैंक लेना है तो, या फिर आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन लेना है, कोई गैजेट लेना है इलेक्ट्रॉनिक, तो आप क्या करेंगे, ऑनलाइन साइट्स पर है जो जाकर रिसर्च करेंगे कि मुझे, मेरे लिए जो मेरी यूज़ के लिए कौन सा मोबाइल फ़ोन बेहतर रहेगा, कौन सा ठीक रहेगा, कौन सी रेंज का मेरे लिए ठीक रहेगा, मेरा बजट इतना है। तो वो हो जाएगी बेसिक रिसर्च, जहाँ पर आप सिर्फ नॉलेज के लिए एक जो पर्टिकुलर टाइम जिसका कोई यूज़ नहीं होगा, ठीक है, मतलब थोड़ा आपके लिए, मतलब हम ये कह सकते हैं यूज़ नहीं होगा नहीं कहेंगे, हम ये कह सकते हैं उसका आपके लिए ही यूज़ होगा, हम उसको कमर्शियल यूज़ नहीं कर पाएंगे, सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी की च्वाइसेस अलग अलग होती हैं। अप्लाइड स्टडी के अंदर हम साइकोलॉजी की बात करें, मैं वहाँ पर उतर गया था अमेज़ोन पर, तो देखिए क्रियोसिटी ड्राइव बेसिक रिसर्च, जो क्रियोसिटी होती है वो क्या करती है बेसिक रिसर्च, इट्स गोल इज़ टू प्रोवाइड आंसर टू वाई व्हाट एंड हाउ इंक्वायरीज इंक्लूडिंग डीपनिंग कॉम्प्रीहेंशन ऑफ फंडामेंटल आइडियाज़ की हम इंक्वायरी करेंगे। बेसिक रिसर्च डज नॉट हैव एक्सप्लिसिट कमर्शियल एम्स एंड थो इट डज नॉट ऑलवेज रिजल्ट इन क्रिएटिविटी और रियलिस्टिक अप्रोच, जैसा कि मैंने बताया। अप्लाइड साइकोलॉजी एक जो ब्रॉड कंसेप्ट हो जाता है, बेसिक रिसर्च है जो, सॉरी अप्लाइड रिसर्च ब्रॉड कंसेप्ट और बेसिक रिसर्च आपका जो लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। अप्लाइड रिसर्च के अंदर हम क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे हम पर्टिकुलर इशू को और सोल्व करेंगे एक्चुअल डिफ़िकल्टीज़ को, जो कि सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। न्यू इन्फॉर्मेशन गेन होगी थ्रू द अप्लाइड रिसर्च और हैज़ एक्सप्लिसिट कमर्शियल गोल इन द पैटर्न ऑफ गुड्स टेक्निक्स और सर्विसेज, इन तीनों चीज़ों को वो इनके अंदर जो अच्छा योगदान रहे। उसके बाद बात करते हैं हम बायोलॉजिकल वर्सेस बिहेवियरल मेथड। बायोलॉजिकल वर्सेस, देखिए वैसे तो मैंने यहाँ पर बताया ये नेचर से कुछ हद तक कुछ पॉइंट्स है जो बायोलॉजिकल को हम है जो नेचर से रिलेट कर सकते हैं, हमने नर्चर आर्ग्यूमेंट्स कर लिया, हम कह सकते हैं हमारे बिहेवियर को जो हमारा एनवायरनमेंट भी डिटरमाइन करता है कुछ हद तक। द कंसेप्ट प्रज्यूम दैट ऑल बिहेवियरल ह्यूमन और एनिमल is obstinate by heredity and a person's biological. It assumes that your environment has no influence on your behavior and that your action, decision and manner of life can be tracked back to your parents from whom you got from DNA. तो देखिए biological कहता है कि environment आपको affect नहीं कर सकता, ये सिर्फ biologically जो कि हम कह सकते हैं inherited या कोई बायोलॉजिकल फैक्टर ही आपके बिहेवियर को डिटरमाइन करेगा। लेकिन जो बिहेवियरल मेथड है वो क्या कहेगा, वी आर बिलीव टू बी बोर्न विद ए ब्लैंक स्लेट, हम एक ब्लैंक, हम बिल्कुल ब्लैंक अवस्था में पैदा होते हैं एंड आर मोल्डेड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल, और हमारे जो अंदर बदलाव आता है, हमारे सोसाइटी के अंदर आता है, हमारे जो एनवायरमेंट से आता है, हमारे फ्रेंड सर्कल से आता है, हम किस वे से, जो कहते हैं ना बच्चों की परवरिश है जो बड़ा ध्यान से करनी चाहिए, ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है एनवायरनमेंट एक अच्छा बच्चों को प्रोवाइड करना चाहिए। जैसा कि हम जो अलग तरह से हमारे टीचर्स के सामने बिहेव करते हैं और हमारे फ्रेंड्स के सामने, तो ये हमने कहाँ से सीखा, क्या ये बायोलॉजिकल था या ये एनवायरनमेंटल था, ये आप हमको कमेंट करके कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।